सावधान इंडिया प्रदीप आपको आज प्रस्तुत करके ले आया है आसाम राइफल्स। दोस्तों आसाम राइफल्स जो हमारा उत्तर पूर्व का प्रहरी, आसाम राइफल्स जो है उत्तर पूर्व का शांति का प्रतीक, आसाम राइफल्स जो हमारा मातृभूमि का बलिदान देने वाले बेटे और बेटियां, और दोस्तों आसाम राइफल्स जो हमारा संस्कृति को प्रतीक। दोस्तों ये आसाम राइफल्स 1835 में वो एस्टैब्लिश होने के बाद ये राइफल्स सबसे पुराना हमारा देश का जो कि इन्फेंट्री रेजिमेंट के अंदर में आता है। दोस्तों आसाम का जो प्रकृति है, आप नॉर्थ जो हमारा उत्तर पूर्व जो राज्य है, 8 राज्य है, उसको राज्य को सुरक्षा देना और उसका जो भी कनकन में कोई भी शत्रु उसका अंदर में प्रवेश नहीं कर सके जैसा व्यवस्था ये आसाम राइफल्स किया है। और ये आसाम राइफल्स के लिए हमारा देश का जो उत्तर पूर्व राज्य में जो लोग जन्मे हैं वो लोगों का बलिदान आज तक भी हमको याद रखना चाहिए। दोस्तों आसाम राइफल्स से बोलने बात करने से पहले मैं आपको मेरा नाम बताता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया प्रदीप। और आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सावधान इंडिया प्रदीप में एक बार 1944 वर्ल्ड वॉर टू जो कि हमारा जो विश्व में सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया, और ये भयंकर युद्ध में हमारा आसाम राइफल्स का योगदान बहुत रहा। और ये आसाम राइफल्स का जो हमारा सैन्य वो लोग अपना जीवन का बलिदान देके वो हमारा मातृभूमि के लिए और हमारा मातृभूमि को बचाया। 1962 इंडिया चाइना वॉर, उसमें हमारा आसाम राइफल्स का जो वीर योद्धा ने अपना प्राण को निछावर करके अपना जो सीमा को बचाया और अपना सीमा को बचाते बचाते वो लोग शहीद हो गए, और बलिदान का भी अभी तक हम उसका गाथा पढ़ रहे हैं। 1987 श्रीलंका सिविल वॉर, इसमें हमारा आसाम राइफल्स ने अपना शांति दिलाने के लिए अपना खून बहाए और खून पसीना एक करके शांति के लिए हमारा भारत भारत से वो लोग। दोस्तों सभी युद्ध सीमा में लड़ा नहीं जाता है, ऐसा कुछ युद्ध होता है जैसा का आसाम का जो परिस्थिति, आसाम नागालैंड और जो नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट है, जो 8 स्टेट है, उसमें हमारा भारत का जो शत्रु है वो लोग ये चाहते हैं कि भारत का अंदर में कुछ ना कुछ आतंकवाद और अलगवाद तैयार करके हमारा भारत को भाग करके उसको छोटा छोटा कर दे। तो इसको वतन को, हमारा वतन को रक्षा करने के लिए और अपना खुद का अपना जीवन को बलिदान देके ये आसाम राइफल्स का जो सोल्जर्स है हमारा हर एक दिन उनका जो ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेशन विजय जो कि हमारा शत्रु के विरोध में डेली स्टार्ट होता है। और ये सीमा में नहीं लड़ा जाता है, ये लड़ा जाता है जो जंगल जंगल के अंदर में, और जिसमें आतंकवादी लोग और अलगवादी लोग अपना देश को बांट के उसको छोटा छोटा करने के लिए चेष्टा करते हैं। तो उस टाइम में हमारा आसाम राइफल्स अपना कंधे में वो जिम्मेदारी लेता है और अपना कंधे में जिम्मेदारी लेके उसको, दोस्तों हमारा देश से ये आतंकवाद और अलगवाद को हर दिन के लिए मिटाने के लिए आसाम राइफल्स डेली उनका, जैसे सूर्य जो होता है नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे ही उनका डेली सुबह में ऑपरेशन काउंटर स्टार्ट होता है। और ऑपरेशन काउंटर में उनका ये लक्ष्य होता है कि हमारा देश से जितना भी आतंकवादी है उनको निपात करना। उसके लिए वो अपना बलिदान देते हैं, अपना मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे के और अपना हमारा जो नॉर्थ ईस्ट को शांति बहाल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो ये होता है आसाम राइफल्स। आसाम राइफल में योद्धा से एक खूंखार सिपाही बनने के लिए उनको कड़ी मेहनत, अपना जिस्म और दिमाग को कड़ी मेहनत में तपना पड़ता है। उसके बाद एक सिपाही से एक खूंखार सिपाही बनता है। और आसाम राइफल्स का ट्रेनिंग इतना घंच एरिया में किया जाता है जो
कि किसी को भी पता नहीं चलेगा आसाम राइफल्स का ट्रेनिंग कितना मुश्किल होता है और अपना जिस्म और दिमाग को वो कितना तपके टॉर्चर दे के वो ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसके बाद एक सिपाही से, आसाम राइफल का सिपाही से, वो सिपाही बन जाता है एक खूनखार सिपाही और एक परफेक्ट आसाम राइफल्स का सोल्जर। दोस्तों, जब शांति के समय में आसाम राइफल्स अपने लोगों के साथ कभी भी जुड़े रहे, जैसे कि स्कूल बनाना और मेडिकल बनाना और लोगों को अच्छे शिक्षा देना, ये सभी काम में आसाम राइफल्स जुड़े रहे। और उनका ये लक्ष्य है कि नॉर्थ ईस्ट को वो हमारा देश का स्वर्ग बनाने के लिए कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, आसाम राइफल्स का महिला जो राइफल्स मैन, वो लोग भी करके दिखा दिए कि हम लोग भी किसी से कम नहीं। दोस्तों, आसाम राइफल में जो पुरुष और महिला लोगों का अंदर में भेदभाव कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि एक टाइप का ऑपरेशन, एक टाइप का ट्रेनिंग, एक टाइप का उनके पास जो अस्त्र शस्त्र और एक टाइप का उनका ड्यूटी। तो ये हमारा देश को ये करके देश को ये दिखा दिए कि महिला भी पुरुष से कम नहीं है और हम किसी से कम नहीं। दोस्तों, आज आसाम राइफल्स का कंधे में बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे गया है। जो हमारा बॉर्डर एक्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर एक्ट के अंदर हजारों माइल का जो बॉर्डर है उसको सुरक्षा का दायित्व उसको हमारा आसाम राइफल्स को दिया गया है। और आसाम राइफल्स का जो भी एक एक सिपाही, वो उनका अंदर में ये होता है कि दुश्मन को जब तक वो आखिरी नींद में सुला नहीं देते तब तक वो कभी भी नहीं वो दुश्मन को छोड़ के आते हैं। ये आसाम राइफल्स जो ऐसा एक का राइफल्स था जिसके बारे में आपको बताया, जो हमारा शत्रु हमारा देश का एकता और अखंडता को नष्ट करने के लिए प्रयास करेगा उसको आसाम राइफल्स टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। और आसाम राइफल्स के वजह से ही नॉर्थ ईस्ट में आज तक शांति प्रतिष्ठा हो पाया है और आगे भी होगा। तो दोस्तों, ये था आसाम राइफल्स, जो आसाम राइफल्स का जो वीर पुत्र, जो हमारा मातृभूमि के लिए, ये लोग हमारा मातृभूमि के लिए जो अपना बलिदान दिए और शहीद हो गए और हमारा देश को, हमारे लिए, हमारा देश के लिए जो काम करके शहीद हो गए, उन लोगों में मेरा तरफ से लाख लाख नमन करता हूँ। दोस्तों, मेरा तरफ से ये जो आसाम राइफल्स का जो टॉपिक था, आपको कैसे लगा आप ज़रूर मेरे को आप मेरा यूट्यूब चैनल में बताइए। और आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल में एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोगों का ये समय के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा तरफ से ये कि आप लोग सभी लोग खुश में रहिए और खुशी बांटते रहिए, और मेरा तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट और जय हिंद।